ओम जय राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम जी, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम सर, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम सर, ओम साई राम, ओम साई राम सर, ओम साई राम, ओम साई राम जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चालू करते, पिछले बार बहुत सारे लोगों का रह गया था। जी जी जी, आज ये कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग को हम पूरे के पूरे लोग को निपटाए। जी जी, कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कर सकते। जी जी जी, ठीक है तो शुरुआत करो फिर जरा सा। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में। आज का इस वेबिनार का जो टॉपिक है वो है प्रिडिक्शन ट्रिक। अंक ज्योतिष की कुछ ऐसी चीजें हम जानेंगे जो जन्म कुंडली के बिना भी प्रिडिक्शन करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। आप अंकों से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हो इसलिए आज इस वेबिनार में हो। कहीं ने कहीं से कोर्स किया होगा, कहीं ने यूट्यूब से सीखा होगा, लेकिन उसके बाद भी जब सामने आपके पास कोई आता है तो आप उसकी प्रिडिक्शन नहीं कर पाते। तो इस अंक विद्या के रहस्यों को जानने के लिए ऐसी क्या प्रिडिक्शन की ट्रिक्स होती हैं जो काफी सरल और होती हैं लेकिन आपको उससे अवेयर नहीं हो, यही हमारे इस कोर्स का और इस वेबिनार का एक मूल मोटो है कि आपको इस अंक विद्या के रहस्यों से एक प्रिडिक्शन ट्रिक्स के रूप में समझाया जाए ताकि जब भी आपके सामने कोई डेट ऑफ बर्थ आए तो उसके बारे में आप सब कुछ प्रिडिक्शन कर पाए जैसा कि सर कर पाते हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार की और क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। जी सर, कोर्स के बारे में डिटेल दे दूं पहले? दे दो, ब्रीफली बाद में बीच में और एक बार दे देंगे। जी, जो हमारा अपकमिंग कोर्स आ रहा है ये 3 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप है जो कि न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स के ऊपर है, मतलब अंक विद्या के रहस्य। जो बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, केवल उनके पास किताबी ज्ञान है, लेकिन हम जो देंगे आपको वो सारा का सारा प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ये हमारी अपकमिंग जो क्लासेस आ रही हैं 3rd, 4th and 5th December यानी कि 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख दिसंबर की है और इसमें आपको रात को 8:15 से 10 बजे तक ये क्लासेस रहेगी 3 दिन की। इसके अंदर आपको हम हमारे आने वाले 15 पॉइंट जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा उसका हम पूरी की पूरी विद्या को आपको देंगे और हमारी एनर्जी एक्सचेंज जो 6666 थी जिसका अभी ऑफर प्राइस 5100 रुपये चल रहा है जो कि एक नॉमिनल प्राइस है और हम जो अपना कोर्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर हम मोस्टली आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो जो भी सवाल उसके होते हैं कि गाड़ी, पैसा, मेरे ये कब होगा, इवेंट कब आएगा, मैं कब सेटल होऊंगा, मेरे बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा कि नहीं होगा, या मेरी नाम की स्पेलिंग को सही कर दो, या मेरे नाम की स्पेलिंग क्या मेरे को राइट और रॉन्ग दे रही है, या मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, मनी फ्लो के नंबर है कि नहीं, ये सब कुछ आपको जो भी वो सवाल करेगा उसका मोटा मोटा आप जवाब दे पाओगे हेल्थ को छोड़ के। तो हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो 15 पॉइंट्स का मोस्टली है जिसमें प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर है जो कि सर आपसे पूछते हैं कि आपका कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है और आप पूछते हैं कि मेरा ये हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी या ये हो जाएगा, तो उसका हाँ या ना में जवाब किस तरह दिया जाता है। आपसे कोई भी 1 से 9 के बीच में एक अंक पूछा जाता है और उसका आंसर हाँ या ना में हम किस तरीके से देते हैं या डिले होगा या नहीं होगा वो बताते हैं। ये वर्कशॉप करने के बाद 3 दिन का मात्र एक क्लास है, ये क्लास करने के बाद आप भी उसी तरीके से आंसर दे पाएंगे। इसके अलावा इवेंट कैलकुलेशन, डेस्टिनी साइकिक नंबर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। एक व्यक्ति के लाइफ में मोटा मोटा बहुत सारे इवेंट आते हैं 15 से 20, उसको आप कैलकुलेशन कर पाओगे सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ से। ना आपको किसी की जन्म कुंडली चाहिए, ना टाइम चाहिए, सिर्फ एक परफेक्ट डेट ऑफ बर्थ और इस अंक विद्या के रहस्यों को आप समझ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में अंकों की पावर बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, उससे आप जान सकते हैं कि भाई कैसे आप उसकी ग्रिड में संतान का सुख है या नहीं है, है तो उसको लड़का होगा या लड़की होगी और कितने होंगे। आपका नाम जो आपकी जीवन में बहुत बड़ी भूमिका पैदा करता है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमें ईश्वर से मिलती है लेकिन नाम हम अपना स्वयं रखते हैं, तो उसकी वाइब्रेशन को किस तरीके से बदलकर एक सही नाम पे लेके आए तो हमारा लाइफ सुगम और पॉजिटिव फ्लो की तरफ बढ़े। नेगेटिव स्पेलिंग जो होती है नाम की वो हमारे जीवन पे क्या असर डालती है वो भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं और आपको पूर्ण रूप से समझाने वाले हैं।
सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ के नंबर्स क्या होते हैं आपकी ग्रिड में, या आप देखकर पहचान सकते हैं। फैमिली सपोर्ट के नंबर आपकी ग्रिड में है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। जो नंबर नहीं है उसको किस तरीके से एक्टिवेट करना, उसकी स्मॉल स्मॉल रेमेडीज भी हम बताते हैं। इसके अलावा मनी फ्लो के नंबर कौन से होते हैं, 5, 6, 4, 3, क्या हम आपको बताएंगे कि कौन से वो सही नंबर है जो मनी फ्लो को दर्शाते हैं, और आपकी अगर ग्रिड में है तो आपके पास मनी होगी ही होगी, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुटेबल होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के नंबर आपके पास है या नहीं है वो भी हम आपको बताएंगे, किस तरीके से आप गवर्नमेंट सेक्टर से इनकम ले सकते हैं। या वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जिनकी ग्रिड में मात्र 2 या 3 नंबर आते हैं, 4 नंबर आते हैं, उनकी प्रिडिक्शन को भी लेके बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के मन में एक शंका रहती है या ज्यादा नहीं बता पाते। केवल ड्राइवर और कंडक्टर से बताना पॉसिबल नहीं रहता है और ग्रिड काफी खाली रहती है, तो आपके ग्रिड में वो कौन से हिडन नंबर है और वो कहाँ कहाँ से आते हैं जिनसे आप ग्रिड भरकर उनकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाते हैं। किस तरीके से किसी क्लाइंट के आने पर आप बेसिक्स उनसे बात करेंगे, उस बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन के बारे में भी हम इसमें बहुत अच्छी चर्चा करते हैं। इस तरीके से आप पर आपके पास आने वाला हर व्यक्ति आपसे निराश नहीं होगा, आप उसे कुछ ना कुछ बता पाएंगे हेल्थ को छोड़कर, और इस कोर्स को करने के बाद एक तरीके से आप पूर्ण रूप से न्यूरोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो अंग ज्योतिष की इस विद्या और इन रहस्यों को जानने के लिए हमारी इस क्लास को प्लीज ज्वाइन कीजिए। 5100 रुपये इसकी फीस है, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है, पीडीएफ जो भी आपको सर बताते हैं उसकी पूरी पीडीएफ मिलती है, रिवीजन के लिए नेक्स्ट क्लास आपको फ्री मिलती है, बैंक डिटेल आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होने पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 766-555-0178। मेरा नंबर एक बार और नाउ राइट डाउन कर लीजिए, 766-555-0178, और सर का नंबर भी लिख लीजिए, 999-0369-555, 999-0369-555। आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा सर की तरफ से, आपको एक सर्टिफाइड किया जाएगा कि आपने हमारी ये 5 दिन 3 दिन की वर्कशॉप की है, उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आपको पीडीएफ फाइल्स मिलती हैं, एक पेड ग्रुप बनता है जिसमें आप होते हैं, और आपको उसके अंदर लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, आपके जो सहपाठी होते हैं, सह विद्यार्थी होते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं। 11 से 12 बजे के बीच में सर आपको सपोर्ट के लिए रेडी रहते हैं, आप फोन करके पूछ सकते हैं। आप प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कभी भी आपको 2 महीने 3 महीने बाद भी कहीं अटक रहे हो तो आप सर को फोन करके पूछ सकते हैं, और हमारे वाली आने वाली अपकमिंग 2 से 3 क्लास 5 क्लास में अगर आप कुछ भी संशय है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री दी जाती है, जो कि हमारा सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो किसी भी तरह का और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को या सर को कॉल कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, आज मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो जिसको भी क्वेश्चन आंसर करना हो, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, फिर उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो वो सर उसका सीधा सीधा जवाब देंगे। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे फिर अपना क्वेश्चन बताएंगे। तो सर आज्ञा है स्टार्ट करने की, स्टार्ट कीजिए। सबको पता है, रेज़ कर दो जिनको पूछना है। जिनको भी पूछना है अपना हैंड रेज कर दीजिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं पार्थ बंदोपाध्याय जी का। पार्थ बंदोपाध्याय जी, ओम साई राम। साई राम जी, सत्य जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 जनवरी 1970। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, चल रखिए। 24 जनवरी 1970 ना? 70, हाँ। 1970 राइट, हाँ। बोलिए क्या पूछना है? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो एक फ्लैट बुक किया था मैंने, तो जो प्रमोटर अभी तक हैंडओवर नहीं किया और वो प्लान चेंज कर दिया, इसलिए मैं वो लेटर चिट्ठी भेजा उनको कि मेरा रिफंड करने के लिए जो रुपया मैंने उसको दिया था वो रिटर्न करने के लिए एक चिट्ठी भेजा है। तो मेरा सवाल है, ये डिस्प्यूट कब तक मिट जाएगा? एक नंबर बोलिए, 51 से लेके 61 के बीच में। 60
ये जो आपका डिस्प्यूट है ना आने वाले जून 2022 के पहले खत्म हो जाएगा, जून 2022 जून 2022 के पहले जो रुपया मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, हो सकता है कुछ जरा सा 10-12% कम ज्यादा हो, लेकिन मैक्सिमम पेमेंट मिल जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू पार्थ जी। मिहिर देशमुख जी। हाँ सर, नमस्ते जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्ते, मेरा 2 जनवरी 1968 कोई ऑपरेशन हुआ था क्या आपका? नहीं सर, कुछ भी नहीं। ओके, बोलिए सवाल क्या आपके? हमारा एक फ्लैट है सर, वो बेचने का है। फ्लैट नंबर कितना है? 304। मिसेस के नाम पे है। मिसेस की डेट ऑफ बर्थ बताइए। मिसेस 22 मई 1969 राइट? हाँ राइट। फ्लैट नंबर क्या बोले आपने? सेव क्या बोले? 304 3047। फ्लैट ग्राहक तो भी आ रहे होंगे ना आपको, कस्टमर क्लाइंट नहीं आ रहे किसको बेचने के लिए? नहीं नहीं नहीं, एक सिर्फ एक ही आया था जब स्टार्टिंग हमने किया था। हमने 2016 में लिया था फ्लैट। हाँ? 2018 में एक जन आया था, उसको अच्छा लगे, उसमें क्या लिफ्ट नहीं है, मेरा थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट नहीं है, ठीक है, ग्रामीण में आता थोड़ा एरिया। हाँ? उसको पसंद भी है, सब कुछ है, लेकिन बोले मेरे मम्मी डैडी बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग बहुत असिनबल के, आ नहीं सकते। बोले नागपुर से बात कर रहा हूँ मैं, कोराडी रोड। आपका काम तो हो ही गया सर, ले लो आप। 5-4-9-9-9-5-14 सर, इस साल तो मुश्किल आपको फ्लैट बिकना, मई अप्रैल मई तक मिलना मुश्किल आपको फ्लैट बिकेगा। अच्छा। तो फ्लैट मई के बाद ही बिकेगा आपका, मई के बाद ही बिकेगा। अच्छा सर, हाँ जी, उसके पहले आपको अच्छे ग्राहक नहीं आएंगे, ग्राहक आगे तो रेट नहीं मिलेंगे। 2016 में जिस रेट में लिए थे ना, वही रेट में आज की तारीख में ग्राहक आएंगे आपके पास। अच्छा अच्छा, तो आपको तो बढ़ा के बेच, तो जो बेचना है आपको ग्राहक, तो आपको जो अच्छे जो क्लाइंट है जहाँ आपको रेट देंगे, वो मई के बाद ही क्लाइंट आपको मिलेंगे जहाँ आपको अच्छा रेट मिल सके। अभी अच्छा। कोई क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो 36 लाख का लिए तो आपको 36 लाख ही बोलेगा, या तो 34 लाख बोलेगा, वो आपको रेट नहीं मिलेंगे उसके। अच्छा अच्छा, उसके लिए कुछ रेमेडीज करना पड़ेगा फिर? रेमेडी की जरूरत नहीं, आपका फ्लैट मई के बाद बिक जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। अच्छा, अच्छा। इसके बाद जो पैसे आएंगे ना, ये भी खर्च मत करना आपके, इसमें कभी खर्चे के भी बहुत ज्यादा आए, फिर से कुछ लेके अपने वाइफ के नाम से लेके रख देना। अच्छा अच्छा, ये मिसेस के नाम पे फ्लैट है? हाँ, तो इसके बाद भी वही करना है आपको, क्योंकि आपकी जो ग्रिड है ना उसके पैसे आ गए तो इधर उधर जाने के चांसेस बन रहे हैं। आपके इसके बाद भी आपकी जो भी आप प्रॉपर्टी बचोगे, उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसका भी कुछ ना कुछ सोना चांदी प्रॉपर्टी लेके अपने बीबी के नाम से कर देना। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं तो फालतू पर खर्च हो जाएंगे फिर आपके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मीनाक्षी जी जी नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। से हूँ, डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1970। 15 जुलाई 1970 ना, 15 ना? हाँ जी, 15 जुलाई। ओके, 1507 1970। ओके, 1970। एक सोर्स ऑफ इनकम और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जी। स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम अभी आपका चालू हुआ है 45 ईयर के बाद में, जो टाइम चालू है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का ही टाइम चालू हुआ है। इसमें आपको जितना मेहनत करोगे उतनी धीरे धीरे से लाइफ आपके आगे जाएंगे, उतनी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहोगे और स्पिरिचुअलिटी में आपका नाम भी अच्छा होने वाला आगे चल के। जो पहले का जो फेस था ना आपका 45 के पहले का, उस समय आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम नहीं था। जो टाइम चालू हुआ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ का, वो 45 ईयर के बाद चालू हुआ आपका। तो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपको अच्छी मिलने वाली है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। और क्या सेकंड क्वेश्चन क्या है? फेम कब तक आप बोल रहे हैं कि फेमस भी होंगे, वो कब तक? इनकम
फेमस का जो चांसेस है 23-24 में आपका अच्छा नाम हो जाएगा जो भी काम करना चाहते हो 23 या 24 के आसपास आपका एक अच्छा नाम हो जाएगा आपके फील्ड में स्पिरिचुअलिटी में ठीक है जी जी कैरियर का पूछ रहे ना और इनकम सोर्स ऑफ इनकम कैसे दीदी पैसे तो आते हैं आपके पास में लेकिन सेविंग नहीं कर पा रहे हो आज की तारीख में आप पैसे तो आ जाते हैं लेकिन जो उसको सेविंग है या तो कोई एसेट बनाना है तो बड़ा एसेट वैसे आप नहीं है काम तो चल रहा है आपके कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास आते रहते लेकिन रोटेशन में है फिक्स नहीं हो रहे आपके पैसे उसको भी टाइम है वो इतनी जल्दी होने वाले नहीं है तो 23-24 के बाद में फेस आएगा जब आपका सेविंग रहेंगी क्या शेयर मार्केट मेरे लिए पॉजिटिव है लास्ट क्वेश्चन टोटली नेगेटिव है लास्ट आंसर शेयर मार्केट आपके लिए पहले पॉजिटिव शेयर मार्केट हाँ शेयर मार्केट समझ गया मैं आपका जो भी शेयर मार्केट आपके लिए अभी नेगेटिव है पहले पॉजिटिव था 40-45 साल तक पॉजिटिव था आपके लिए शेयर मार्केट एट प्रेजेंट जो आपकी जो एआई जो चालू है रनिंग है इसमें आपको शेयर मार्केट में ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा दो दिन पैसा मिल जाएगा लेकिन तीसरे दिन आपको लॉस होने के चांसेस बनेंगे लॉन्ग टर्म का करना चाहते हो लॉन्ग टर्म कर सकते हो आप अच्छा नहीं मैं तो जिंदगी में शेयर नहीं करी हूँ मैं से थोड़ा सा शुरू किया कि थोड़ा सोशल सिक्योरिटी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है तो करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी नहीं नहीं करना भी है तब तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कीजिए वो भी बहुत कम फंडिंग कीजिए उसमें ठीक है जी 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 बिल्कुल लॉन्ग टर्म बिल्कुल कम फंडिंग जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करूंगी बहुत बहुत धन्यवाद ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू मीनाक्षी जी सर प्रणब देका जी ने अपना हाथ इरेज कर रखा है वो कंप्यूटर में नहीं कर पा रहे हैं उनका ले लेते हैं पहले थक जाएंगे नहीं तो वो जी प्रणब जी अनम्यूट कीजिए प्लीज कर पा रहे हैं सर आप चलो ठीक है सर नेक्स्ट ले लेते हैं सर ये सर्विस स्ट्रगल होगा लाइफ में आपके तो हाँ सर मैं बहुत ही स्ट्रगल है मेरे लाइफ में मैं एक गवर्नमेंट जॉब पर हूँ क्लरिकल जॉब में बट बाकी लाइफ मेरा ठीक नहीं है मतलब मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है कोई आपको बोला सिर्फ मुझे आपकी जो ग्रेड दिख रहे हैं उसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहता है ना मेहनत बहुत करते हैं मैंने मेहनत बहुत करते लेकिन आउटपुट जितना चाहिए उतना नहीं मिलता कोई भी फील्ड में ले लीजिए आप मुझे मेहनत बहुत ज्यादा है उसका जो आउटपुट है वो बहुत कम रहता है आप जैसे लोगों में अच्छा अच्छा हाँ जी वो तो इसके लिए कोई रेमेडी होगा क्या सर हाँ रेमेडी होगा ना इसके लिए रेमेडी है एक काम आप कहाँ से बात कर रहे हैं गुवाहाटी से ओके ओके आप ऐसे आपके गुवाहाटी में जैसे कोई मंदिर होगा तो यहाँ पे गरीब बच्चे मिलते होंगे आपको हाँ हाँ गरीब बच्चों की थोड़ी सेवा करो या उनकी कोई मदद करो किसी भी टाइप से खाना से कपड़े से किताबों से या जो भी चीज आप कर सकते गरीब बच्चों के लिए जितनी आपकी शक्ति है जितनी आपकी ताकत है उसके हिसाब से इतना मैक्सिमम कर सकते उतना आप कीजिए तो आपको जो फायदा देंगे धीरे धीरे करके अच्छा हाँ हाँ सर और एक क्वेश्चन है मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है उसके लिए कुछ रेमेडीज कोई उपाय जो रेमेडी बताया ना दोनों चीज के लिए काम करेंगे जो आपको रेमेडी बताया ना आपके लाइफ के पैसे जो फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव करेंगे प्लस आपको जो शादी का सुख नहीं मिला है उसके लिए भी शादी के भी मौके बनाएंगे लेकिन शादी आपकी अभी अभी थोड़ा टाइम आपकी शादी को आपका लेट ऑलरेडी हुआ है मेरे को नहीं लगता कि जो 2022 तक होंगे 2023 में चांसेस बनेंगे आपके अच्छा अच्छा थोड़ा और लेट दिखा रहा है मेरे को कम से कम जून 2022 के बाद कुछ चांसेस बनेंगे फिलहाल तो कोई चांसेस नहीं है शादी के आपके अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू प्रणब जी सर सर ने जो बोला है वो करो ईश्वर पे भरोसा रखो आपका काम जरूर होगा ठीक है प्रणब थैंक यू सर मिहिर विसानी जी कुछ कहना चाहते हैं
जी मिहिर जी ओम साई राम सर ओम साई राम जी बोलिए सर बस मैं तो जो बाकी लोग हैं उनसे थोड़ा एक मिनट बात करना चाहूंगा कि इस वेबिनार में जो भी प्रेजेंट है अगर जो बेसिक्स कर चुके हैं न्यूमरोलॉजी के और यदि न्यूमरोलॉजी को प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ एक मिनट अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर कि मैं सर का स्टूडेंट हूँ अजय सर का और न्यूमरोलॉजी पढ़ी मैंने मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है सर पर्सनल कि जो बेसिक हम पढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी में तो उससे क्या होता है ना सर जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं जब हम लोग प्रोफेशनली स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी करना और जब क्लाइंट आते हैं ना सर तो मैंने ये नोटिस किया है आप उनकी ग्रेड देख के उनको स्ट्रेंथ वीकनेस बता सकते हो कुछ रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो ठीक है लेकिन वो सब बात की बात है जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो मैंने ये देखा है क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रेट होते हैं वो आपको सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कुछ और उनको एक्सपेक्टेशन होते हैं कि आंसर हाँ या ना में मिले मैं ये लू या ना लू ये काम करूं या ना करूं दे एक्सपेक्ट आंसर ऑन द स्पॉट विथ प्लेन येस और नो या फिर वो एक टाइम फ्रेम एक्सपेक्ट करते हैं कि सर मेरा ये काम है ये कब तक हो जाएगा बताइए शादी है एग्जाम्पल तो कब तक होगी तो इन सारे केसेस में मैंने देखा है कि जो बेसिक न्यूमरोलॉजी का जो नॉलेज है सर वहां पे हम अटक जाते थे मैं भी अटक जाता था लेकिन जब मैंने आपका कोर्स किया उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया कि जब भी क्लाइंट आके ऐसा स्ट्रेट हाँ या ना के जवाब पूछते तो आज मैं दे पाता हूँ जब कोई मेरे को टाइम फ्रेम पूछता है कि ये प्रॉब्लम ये कब सॉल्व होगा या ये मेरा काम कब बनेगा तो आपकी सिखाई हुई विद्या से सर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम टाइम फ्रेम भी बता पाते हैं कि लगभग इतने से इतने में हो जाएगा तो मैंने देखा है सर कि ऑन पेपर न्यूमरोलॉजिस्ट होना और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट होने में जो फर्क था वो ब्रिज जो था है, वो आपके वर्कशॉप से हमने क्रॉस किया सर क्योंकि आपने जो सिखाया उससे डायरेक्ट आंसर देने की कैपेसिटी आई है सर और दूसरी में एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से मैं शेयर करूंगा हम आपके एक्स स्टूडेंट है लेकिन आज भी जब भी हमारे को कोई भी कंफ्यूजन होता है हम अजय सर को कॉल करते हैं व्हाट्सएप करते हैं और सर आज भी उतनी ही शिद्दत से उतने ही प्यार से जवाब देते हैं और समझाते भी है कि ये आंसर किस तरह से उन्होंने डिराइव किया कितने भी सवाल करो और कितने भी मतलब शायद कितने भी महीनों बाद उनको कांटेक्ट कीजिए कोर्स खत्म होने के बाद भी वो हमेशा उतने ही प्यार से जवाब देते तो सर इसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका सर थैंक यू मीर जी थैंक यू मीर जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया देखो हम भी लोगों को यही बता रहे हैं हम भी सबको यही कहना चाह रहे हैं कि आप आइए आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन आपने बिल्कुल अपने मन की बात कही ना तो एकदम दिल को छू सर ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं पहले भी न्यूमरोलॉजी जानता था और सर के कोर्स करने के बाद क्या फर्क हुआ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो सिर्फ मैंने शब्दों में मतलब बयां करने की कोशिश की अपने हिसाब से जी, 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 जी। ताकि अगर यहाँ पे कोई भी अगर 50-50 भी माइंड में हो कि कोर्स करे ना करे तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट का जो बीच का जो अंतर है वो यदि आपको गैप फिल करना है तो ये वर्कशॉप राम मानीलाज है उसका सर थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर थैंक यू सर थैंक यू मेयर जी डॉक्टर अमिता जी कुछ कहना चाहेंगे जी अमिता जी पूछिए सर 16 जून 67 16 जून 1967 एक तो ये मेरे हस्बैंड का है एक तो प्रमोशन का पूछना है दूसरा हमारा घर इन्हीं के नाम पे है हम लोग पुणे में रहते हैं लेकिन घर चंडीगढ़ में है तो वो घर मेरा पिछले 10-15 सालों से मैंने बिक्री के लिए रखा हुआ है वो बिक ही नहीं रहा है 16 जून 1967 हाँ जी 16 जून 1667 ओके आपके हस्बैंड आपके आजू बाजू है क्या नहीं मुझे थोड़ी उनकी हेल्प लगेंगे क्वेश्चन आंसर देने में
आप मुझसे एक नंबर पूछ सकते हो क्या, 1 से 9 के बीच में? थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट का। काम कीजिए, 1 से 9 के बीच में मत पूछिए उनको नंबर। एक पूछिए आप 27 से 38 के बीच में। 1 से 9 और 27 से लेकर? 1 से 9 नहीं पूछना है आपको, 27 से लेकर 38 के बीच में पूछिए। 27 से 38 तक। ओके, आप पूछ के रखिए, बाद में आपको अनम्यूट करते हैं। पुरुषोत्तम जी दूसरे का लीजिए। ओके जी, नेक्स्ट कौन का लेंगे? डिंपल खेमचंदानी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए दीदी। सर मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है, विकास आहूजा नाम है उनका, डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1976। हाँ जी सर। क्या पूछना है आपको? सर उनका बिजनेस बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत टाइम से, बहुत सालों से जो भी उनका स्टार्ट करते हैं बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है और लास्ट में कुछ इतना हक भी नहीं आता, प्रॉफिट भी नहीं रहता। सर कैसा रहेगा उनका बिजनेस? क्या क्या दीदी इनका? सर बिजनेस उन्होंने 2-3 चेंज कर चुके हैं, अब वही है कि क्या करना चाहिए आगे। अभी कुछ नहीं कर रहे क्या ये? अभी नहीं है, कोविड की वजह से भी काफी डिस्टर्ब हो गया। इनको आप बोलिए कि कोई भी इनका एजुकेशन क्या है, कुछ बता सकते हो? सर 12th पास है। इनको बोले कोई लोहे का काम करेंगे या तो कोई मशीन का काम करेंगे सक्सेस मिलेगा? लोहे अच्छा। का कोई काम नहीं तो कोई मशीन का काम नहीं तो कोई जैसे वो अपने ऐसे बुक्स लेते ना, बुक्स नोटबुक्स है तो कोई एजुकेशन सेक्टर में कोई भी काम करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं वहां से। तो सर बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए इनको? सर जॉब नहीं करने वाला आदमी है, बिजनेस ही करेगा ये, जॉब ज्यादा दिन टिक के नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि अभी एक जॉब का ऑफर आया इलेक्ट्रॉनिक, उसमें है उनका वेयर हाउस में उनका है तो जॉब करना चाहे तो कर ले, लेकिन ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं वहाँ पे, वो बहुत हो गया 1 साल 1.5 साल उसके ऊपर नहीं टिक सकते वहाँ पे। या कोई भी जॉब में, ये तो वहाँ पे नहीं बोल रहा, कोई भी जॉब में ज्यादा दिन नहीं काम कर सकता है, 1.5 साल बहुत हो गया इनके लिए। अच्छा तो सर बिजनेस के लिए फिर बिजनेस इनका रहेगा आगे, लाख अच्छा रहेगा? ये जो दो काम बताया ना आपको, एक तो लोहे का काम, मशीन का काम, या तो कोई एजुकेशन सेक्टर का कोई काम, उसमें उनको फायदा मिलने के चांसेस ज्यादा अच्छे, अगर वो करेंगे तो फायदा पक्का मिलेगा। अच्छा सर, और कुछ सर बता सकते हैं इस बारे में? बता तो सबको सकते हैं लेकिन टाइम वाला वो नहीं कर रहा है, सबको एक एक चार्ज देते हैं ना मैम, एक्चुअली आप क्लास में आइए, आप खुद लोगों को बताएंगे, खुद को तो छोड़िए सबको बताएंगे आप। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। अमिता जी आप आगे हैं? 34। हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन था प्रमोशन का, और एक चंडीगढ़ में घर है वो बिक नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए फिर से एक बार, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16/6/67। ये अगले साल, अगले 2 साल है ना भाई जी की, अच्छी 22 और 23 इनका अच्छा जाने वाला है, पैसों के लिए, प्रमोशन के लिए, आपके जो घर का जो मैटर है, अभी 22-23 दिन सॉल्व होंगे, 100% चांसेस है, नेक्स्ट 2 साल अच्छे हैं इनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल तो। ओके, तो नेक्स्ट ईयर प्रमोशन भी है और घर बिक्री के चांस भी है। नेक्स्ट 2 ईयर आप दोनों, आपके इनके लिए सब, दोनों के लिए अच्छे है, आपके मुझे इनके दोनों काम के लिए अच्छे है। ओके, 22-23 बहुत अच्छा टाइम है, प्रमोशन प्लस जो अभी आपका पुराना काम रुका है ना, प्रॉपर्टी का या कोई भी चीज का, वो सब मैटर सॉल्व होने के चांसेस बनेंगे भी आपके। ओके, और कोई रेमेडी करने का जरूरत नहीं है? अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, हो जाएगा काम आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सर ले लेते हैं, गोपाल पुरोहित जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो जी गोपाल जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23rd September 1963। हाँ सर, मेरा भी एक फ्लैट के बारे में ही है कि जो फ्लैट है वो बिक नहीं रहा है, कस्टमर तो कितने भी आते हैं लेकिन सब एग्री भी होते हैं लेकिन
बात बनती नहीं। किसके नाम से? आपके नाम से गोपाल जी है? हाँ, मेरे नाम से, पहले मदर के नाम पे ही था, फिर मेरा नाम पे चेंज करवाया और फ्लैट ही है। फ्लैट ही है ना? कहाँ पे है सर ये? ये अहमदाबाद पे सर। मेरे हिसाब से फ्लैट तो आपका बिकने के मजे मार्च अप्रैल के पहले बिक जाने को ना, जो फ्लैट है ना। हाँ, अभी आप थोड़ा एडजस्टमेंट करो, थोड़े रेट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो निकाल दो। बहुत दिन से पेंडिंग कार्यक्रम है आपका, राइट। मैक्सिमम मई के पहले बिकवे, इसको बेच दो, नहीं तो ये बोझ बन जाएंगे आपके लिए। मई के पहले कुछ भी एडजस्टमेंट, 1-2 लाख इधर उधर करके निपटा के निकाल दो उसको। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट करूंगा उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, मैं 2022 के पहले ही कुछ कर दूं। हाँ, सॉर्ट आउट कर दो, उस पर क्लाइंट आएंगे भी आपके पास में, चालू हुआ टाइम, अब उसके पहले मैटर सॉल्व कर दो ये वाला। ओके, जो आपने बोला वो सही बोला, क्लाइंट तो आते हैं, बस ये रेट में सब दिक्कत होती है सर। नहीं, अभी रेट की रेट का इसके मैंने आपको आपको बोला कि रेट में अभी आप सोचो मत, 1-2 लाख अगर इसमें कम भी मिल गए ना आपको, तो इसके बाद जो पैसा इन्वेस्टमेंट करूंगा उसमें आपका फायदा रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट ही बोला सर, एग्जैक्ट बोला सर। वो तो सर साईं बाबा की सब इच्छा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर, और वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 1-2 लाख का ही है, 1-2 लाख का ही है प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बोला सर, बिल्कुल सही बोला। पूरा इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद अगर आपने मई तक नहीं बेचा ना, फिर वो क्या थोड़ा और ज्यादा तकलीफ पैदा होंगी, तो बेच के कहीं पैसा कहीं इन्वेस्ट कर तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मैंने रेंट पे भी नहीं दिया है सर, इसीलिए नहीं कीजिए, अभी कीजिए, टाइम अच्छा है, अभी बेच दीजिए आप। ओके, ठीक है, क्यों टाइम चेंज हो रहा, थोड़ा तकलीफ हो सकती है, अभी भेज दीजिए मई के पहले आप उसको। जैसे बिकेगा मई के पहले आपको मैं मिठाई भेजूंगा सर। सर बस आप बता देना, हमारे लिए मिठाई सरी का ही है, अहमदाबाद से मैं स्पेशल भेजूंगा सर। पक्का, थैंक यू, आपको जो पसंद है सर वो। लेकिन एडजस्टमेंट करो, 1-2 लाख से मत देखो, खत्म करो केस, ठीक है? वही अटक रही बात सर, 1-2 लाख, क्योंकि अगले साल लंबी अटकेंगे, अगले साल कोई कस्टमर ऐसा मिलेगा जो आपको फंसा के चला जाएगा मई के बाद। इसके मैं आपको बोल रहा हूँ मई के पहले करो, नहीं तो अगले साल कोई आपको 3 लाख ऊपर भी दे देगा, लेकिन वो कोर्ट केस में या कहीं ना कहीं फंसा देगा, समझ गए? इसके मैं आपको बोल रहा हूँ मई के पहले निपटा दो और आपने हैप्पी रहो लाइफ में। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। अर्पणा जी, अपर्णा जी, यस सर जी, बोलिए सर। 12/6/1976, 12 जून 1976, बरोबर? हाँ सर, थोड़ा जॉब प्रॉब्लम सर, फाइनेंशियल जॉब तो कर रहे हो, ऐसे जॉब है ही नहीं आपके पास? नहीं सर, अभी कोविड के पहले तक था, आपके पास से नहीं। पहले था ना आपके पास वो, यानी जॉब था आपके पास, जॉब करने वाली चार्ट है ये। कौन से सेक्टर में जॉब कर रहे हैं आप सर? एजुकेशन सेक्टर में, काउंसलर। वेरी गुड, वही सेक्टर आपको आगे लेके जाने वाला, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वही सेक्टर पे चिपके रहो, वही सेक्टर आपको आगे लेके जाएंगे आगे चल के। अभी आपको पता था आपको जॉब कब मिलेंगी? 9, 6, 15, 14, एक नंबर बोलिए, 51 से लेके 77 के बीच में। 55 ना? जी जी सर, 55 नंबर। 5 मंथ के अंदर आपको जॉब मिल जाएंगी, लिख के देता हूँ आपको। अरे थैंक यू सो मच सर। आप 5 मंथ गिन लो, आज से आज की तारीख क्या, उसके पहले जॉब मिल जाएंगे। सिर्फ आपको हमको मिठाई नहीं खिलाना है, सिर्फ आके बता देना जॉब मिल गई तो। नहीं सर, मतलब आपके पास आपकी चेली बन के आऊंगी सर, गुरु बनाऊंगी आपको। चेला नहीं चाहिए मुझे, भाई और बहनों से प्यार है, चेला गुरु नहीं बनना है मुझे। सर, आप नागपुर से हो क्या सर? हाँ जी, नागपुर से हूँ सर। सर मैं अभी मुंबई में हूँ, लेकिन मेरा भी नागपुर से ही है सर, काका वगैरह सब नागपुर में ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, आइए ना फिर कभी मिलते। बिल्कुल आऊंगी सर, आपसे मिलने जरूर आऊंगी मैं नागपुर। ओके दीदी, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप राजेश जी, राजेश जी कंबोज जी सर, जी जी बोलिए।
बोलिए राजीव जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/9/1975। राजेश जी आपका हाथ नहीं थकता क्या? आप दोनों कंप्यूटर का हाथ भी खड़े करते हो, आपका हाथ भी खड़ा करते हो। जी राजेश जी खुद खड़े हैं बेचारे आज के तारीख में लाइफ में है कि ना राजेश जी? जी सर। राजेश जी क्या तकलीफ है, पैसे पानी की तकलीफ है? सर मैंने एक फ्लैट लिया हुआ था 2011 से, लेकिन 2013 में वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। उसमें मेरा पैसा काफी लगा हुआ है, तो वो पैसा कब मिलेगा या दोबारा स्टार्ट कब होगा ये पूछना था। पैसा आपने पार्टनरशिप में लगाया हो कि अलग से इन्वेस्टमेंट, क्यों बताओ पहले मेरे को? नहीं नहीं अलग से ही है सर। सर जी आपको मैं थोड़ा अच्छा बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो पैसा है ना थोड़ा लंबे टाइम तक अटका हुआ, आगे भी अटका रहने के चांसेस दिख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा एक साल में दो साल में क्लियर होगा, इसके लिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, थोड़ा कोर्ट केस वेस केस भी करना पड़ेगा। इतनी इजीली निकलने वाला पैसा नहीं है आपका, क्योंकि जिनको हम बता पाते तो बता सकते हैं अच्छा वाला टाइम, लेकिन आपके उसमें थोड़ा वेट दिखा रहा है, उसमें पैसा भी पूरा नहीं मिलने वाला आपको। जो भी फंसा होगा ना आपका 60-70% ही आपका रिसीव होगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा आपको वहां से। ओके ओके ओके। लेकिन इसके बाद इस चीज में आप कहीं फंसे मत, क्योंकि आपको लोग धोखा देने के चांसेस बहुत है। इसके बाद में थोड़ा बच के रहो हर चीज, जब भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको तो बड़ा सोच समझ के करो। आप सोचते तो बहुत हो, सोचना आपका बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंट में आपकी इशू क्रिएट हो जाते हैं आप। और लोगों को पूछना नहीं ये करो कि वो करो, कम सोचो फाइनल करो उसको, ज्यादा सोच के आप गलत जगह फंस रहे हो। ठीक है सर। ठीक है, आपके नाम से ये ना फ्लैट है? हाँ जी फ्लैट आपके नाम से ही है ना? जी जी मेरे नाम से, मेरे नाम से। तो फिर ये थोड़ा वेट करना पड़ेगा, दूसरे के नाम से रहता तो चांस बन भी जाते, लेकिन आपके नाम थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। चलो ओके सर, थैंक यू। ओके जी। ओके जी। भोसले जी, प्रधन्य भोसले जी, मैम आपका नाम प्रोनाउंस कर लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, प्रज्ञा, प्रज्ञा है। प्रज्ञा, नमस्ते सर। ओके नमस्ते सर। जी मुझे पूछना था कि मेरे हस्बैंड अभी कतार में है, तो वो कनाडा के लिए ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए। तो उनकी 12 जून 1976। सर मुश्किल है, अगले साल 100% हो जाएगा दिसंबर के पहले। सॉरी दिसंबर के पहले। इस साल मुश्किल है, इस साल जनवरी फरवरी तक नहीं होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में मार्च फरवरी से लेके दिसंबर के बीच में ये इनका 100% काम हो जाएगा। ओके, मतलब हम लोग ट्राई कर रहे तो उसके हिसाब से हम लोग जा सकते हैं आगे, पॉजिटिव आउटपुट आएंगे उसके जो आप ट्राई कर रहे हो, चांसेस पूरे अच्छे बेटर है नेक्स्ट ईयर में आपके। अच्छा, तो हम लोग एक्चुअली कैसे, हम लोग वहां पे थे तो बच्चों में हम लोग अभी मुंबई आ गए हैं, तो हम लोग भी सेटल हो सकते हैं वहां पे सब फुल फैमिली मतलब। ये तो डेट ऑफ बर्थ जिसके उसके बारे में बताया मैंने आपको 12 जून 1976, इनका तो चांसेस फुल ही है नेक्स्ट ईयर जाने के। ओके, तो मतलब मैं जा सकती हूँ साथ में? तो मैं अगर ये तो बच्चे भी आएंगे ना साथ में। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी 31 दिसंबर 1983। 31st हाँ दिसंबर 1983 हाँ 1983 ना दीदी? हाँ जी हाँ जी। 31 दिसंबर बोला मैडम आपने? हाँ जी हाँ जी। तो वो तो आपका तो पूरा देश मनाता होगा बर्थडे। हाँ लेकिन हम लोग घर पे ही मनाते हैं। अच्छा। बाहर बहुत गर्दी रहती है तो कुछ मिलता नहीं है सर्विस। अच्छा सही कह रहे हो। दीदी एक नंबर बोलिए मुझे आप, 27 से लेके 37 के बीच में। सॉरी क्या है? 37 27 से लेके 37 के बीच में एक नंबर बोलिए। ओके 35। थोड़ा मुश्किल है आपको जाना इस बार, पहले तो भैया ही जाएंगे, उसके बाद सेकंड राउंड में हो सकता है आपको लेके जाए, लेकिन फर्स्ट राउंड में तो भैया ही अकेले जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके दीदी, थैंक यू। हंसा जी, हंसा कपूर जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1900। 19 कितना बोले दीदी आपने? 1900। आवाज नहीं आई पुरुषोत्तम में, कितना बोली मैम ने? 3 मई 1971।
सर मेरा शेयर मार्केट में कुछ होगा, मैंने शुरू किया है. क्या है ना जी नंबर बोलिए. 51 से लेके 77 के बीच में. 72 थोड़ा 50-50 चांस है ऐसा मुझे. मैं एकदम श्योरली बोल नहीं पाऊंगा कि कुछ होगा. मेरे को लगता है चांसेस थोड़े आपके फेवर में नहीं रहेंगे उसमें. चार दिन अच्छे जाएंगे तो हफ्ते भर बेकार जाएगा उसमें आपका. जी 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 ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है सर. मेरा आपका आपका भाई हूँ, इसके आपको सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाइए आप. अच्छा अच्छा ठीक है. लॉस कवर करके बाहर आ जाइए वहां से आप. जी जी सर एक लास्ट क्वेश्चन. मैं बिजनेस काहे का करूँ? वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ बिजनेस, लेकिन मुझे कौन सा बिजनेस सूट करेगा? कौन सा बिजनेस कर सकते हैं आप, उसका ऑप्शन बताइए मुझे. सर मैं इनके साथ एडवर्टाइजिंग वाला कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग बिजनेस. ओके दीदी, मैं तो बोल रहा आप अपने हस्बैंड के साथ ही काम कीजिए, ज्यादा अच्छा आपके लिए. अच्छा काम कर रहे हो ना आपके लिए, उनके साथ मदद कीजिए. और पैसे जी, का जो मैनेजमेंट है आप अच्छे से कर सकते हो, वो भी हाथ में लेने की कोशिश कीजिए. जी 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 ठीक है जी. थैंक यू सर, थैंक यू. ओके दीदी जी. सार्थ जी, सार्थ सरोदे जी पूछिए मैम, अनम्यूट कीजिए. नेक्स्ट लेते हैं, शालिनी जी को ले लेते हैं. सार्थ सरोदे जी को अनम्यूट कीजिए, बेचारी हाथ ऊपर. एक मिनट एक मिनट, शालिनी जी आपको. शालिनी जी आवाज आ रही है आपको सरोदे मैम? यस सर. तो यहाँ पे हाँ बोलिए बोलिए. बच्चे अपने आंधी जी कोई फर्क नहीं करता. आप बोलिए आपका सवाल. सर मेरी लड़की है 12th में, उसका बर्थडे है 28 सितंबर 2004. यस सर. उसका करियर के बारे में थोड़ा ये करना था. वो अभी 12वीं में पढ़ रही है कॉमर्स में. क्या क्या करना चाहती बच्ची आपकी? क्या करना चाहती? क्या करना चाहते हो बेटा बोलो. बोलना काय शिक्षक बस मतलब पटकन बोलो. अच्छा हेलो हेलो सर. बोल हेलो बेटा, क्या करना चाहते हो आगे चल के बोलो. आईटी कंपनीज में जाना चाहती हूं. जाना चाहती हूं या फिर मार्केटिंग में? तो मार्केटिंग में जॉब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. आईटी में उतना मजा नहीं आएगा आपको, मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप. जैसे अभी आप बीए करके एमबीए भी कर लो, उसके बाद आपका जो एजुकेशन बहुत अच्छा होने वाला आगे चल के. तो मार्केटिंग में जाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी इनकम भी होगी और आपका नाम भी अच्छा हो जाएगा मार्केटिंग में. आईटी कंपनी में जाऊंगा तो ज्यादा लंबा नहीं चल पाऊंगे, 2-3 साल में फिर से आपको मार्केटिंग में आना ही पड़ेगा आगे चल के. कॉमर्स साइड में है सर? कॉमर्स कॉमर्स में है सर. तो चलने दीजिए, कॉमर्स के बाद ही मार्केटिंग में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. अच्छा ओके ओके दीदी, थैंक यू. ओके थैंक यू सर. शालिनी जी बोलिए. शालिनी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम, बोलिए. डेट ऑफ बर्थ सर? मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना था. ये मेरी बेटी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अगस्त 2006 है. अगस्त 2006 जी. हाँ सब बेटी वाले आ रहे हैं तो भी घर वाले आ रहे हैं क्या पूछो तुम ये? हाँ शादियों का सीजन है, छुट्टियां चल रही होंगी, सर्दियां पड़ रही हैं सब. सर बेटी के एग्जाम चल रहा है ना, रोज तबियत खराब हो जाती है, इसने टेंशन में है. उसको देखो, आपकी बेटी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिना बात के टेंशन ले रही हो. उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है एक्चुअली. क्या बहुत जल्दी घबरा जाती है और उसकी सोच में बहुत तकलीफ होती है, उसका यही इशू है. बाकी उसका अगर मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ऐसे बच्चे 30 साल के बाद खुद के लाइफ में घर गाड़ी बंगला खुद के पैसों से बना लेते हैं. लेकिन 30 साल तक इनका जो है ना, इनके अंदर का जो कॉन्फिडेंट जिंदा नहीं होता है, बड़े अंदर के अंदर बहुत कमजोर रहते कॉन्फिडेंट से. उनकी ये इशू रहती है, ये बच्चे को अगर मैं कॉन्फिडेंट दिला दूंगा ना, बेटा जा तू जंग जीत जाएंगे, तो बिंदा जाके जीत के भी आ जाएंगे.
इसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिलाना पड़ता है पीछे से, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में कोई तकलीफ नहीं है जी, जी। इसका सोच ले बेटा, क्या नाम है तेरा? सोचना कम कर, तू सोचते बहुत ज्यादा है, सोचना कम करो और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा करो, बिल्कुल नहीं सोचने का, जो होना वही होने वाला है, बिना सोचे बिना डरे काम एकदम इम्प्लीमेंट करो और जो सोचते उसको खत्म करो, बीच में रुकने रुकने का, ठीक है? नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करने का, हमेशा कभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करने का, ठीक है? सौ परसेंट आएंगी, नहीं मैंने आपको क्या बोला, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करने का, आपकी चालू वही से होती है, 100% आपकी परसेंटेज अच्छी आएंगी, आपको लाइफ में कोई तकलीफ नहीं, आपको सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए बस, बाकी कोई इशू नहीं आपकी लाइफ में, आपका क्या, आप आगे चल के पैसे कमाने वाले भी हो, पैसे जमा करने वाले भी क्या चार्ट है, तो हमेशा कीप स्माइलिंग, बी कॉन्फिडेंट, नेवर थिंक नेगेटिव, ओके? नेगेटिव, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी सर, अब तो किसी कैमरे तो ऑन नहीं है, किनको आप जिनको बोले आदेश करें, कैमरा किसने ऑन किया, बिना कैमरे वाले चलते अपने, सर एक क्वेश्चन और बता सकते हैं आप? एक क्वेश्चन, कौन बात कर रहे हैं? शालिनी जी, शालिनी, हाँ जी बोलिए बोलिए सर, एक प्रॉपर्टी को लेकर, और इशू है प्रॉपर्टी सेल का, आपकी प्रॉपर्टी बची है क्या, किसके नाम से है? वो मेरे हस्बैंड के नाम पे, बोलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी, 22 जुलाई 1974, जुलाई 1974, यस यस, तो लड़का है एक, हाँ मेरे पास एक बेटा है दीदी, आपको एक लड़का है क्या? हाँ जी, है ना, क्या बात है, देखा मैडम चमत्कार, चमत्कार पुरुषोत्तम जी भी चमत्कार, अंकों की ताकत, अंकों की ताकत, आपकी डेट ऑफ, आपके हस्बैंड की डेट ऑफ में नसीब में लड़का था, उसकी वजह से हुआ होगा आपको जी, आपकी आपका क्या सवाल क्या है दीदी? अभी प्रॉपर्टी है एक, मेरा फ्लैट है अलीगढ़ में, तो उसको सेल करना है, हम लोग वहाँ रहते नहीं है, उसका फ्लैट नंबर क्या है दीदी? फ्लैट नंबर T1, आवाज किसकी आ रही है? मिस्चीफ, अच्छी बेचना, रियली बेचना चाहते हो क्या आप उसको? सर बात थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपकी डिसीजन लेने में, उसमें नहीं, उसको मैं पैसे की जरूरत है, तो हम उसे बेचना चाहते हैं, ये दोनों बेचना चाहते हो ना, एकदम कंफर्म है ना बेचना है आपको? हाँ बिल्कुल बेचना है, क्या मुझे कुछ दिखा रहा है कि दोनों थोड़ा एकदम 100% श्योर नहीं, कभी सोचते बेच दूं, कभी बोलते रख दूं, ऐसा चालू है? नहीं असल में क्या ना, सौदा हो जाएगा तो हम आज बेच देंगे, जब वो नहीं बिकता है ना, मतलब जैसे कई कस्टमर आ चुके, पसंद आता है, बात नहीं बन पाती, तब फिर वो सोचते हैं चल नहीं बिक रहा कोई बात नहीं, मतलब वो फिर ये वाली थिंकिंग आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी तो नहीं बिकेगा, एक क्लाइंट आपका जो ऐसा होता है ना, जून के बाद ही होने के चांसेस है, जून 2022 के बाद, फिलहाल कोई चांसेस नहीं है उसमें, 22 के बाद चांसेस है, हाँ उसके बाद बिकेगा, लेकिन बेचना है तो बेच के निकल जाओ, वहाँ दिमाग कंफ्यूजन मत रखो, आया ना कम ज्यादा करके बेच दो उसको। हाँ वो वही मेरा है कि उसे बेच के निकल जाओ, मुझे रहना नहीं तो मुझे वहां रखना नहीं एक्चुअली, नहीं निकाल लो, हो जाएगा जून के बाद आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू शालिनी, जून के बाद मतलब बिना परेशानी के, कोई रेमेडी तो नहीं करनी होगी? नहीं ना, मेरे को मिठाई भेज देना बस, आपकी रेमेडी हो गई, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल श्योर, श्योर पक्का पक्का हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको करने पड़ेगा, ठीक है ना दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शालिनी जी, ओके थैंक यू, नमस्ते जी, विशाल जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1999, यस सर, सवाल पूछूं सर, मैं अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एग्जाम दिया हूँ 27 नवंबर को, तो उसमें क्या मैं सिलेक्शन होगा, मैं पास करूंगा? नंबर पूरा 51 से लेके 77 के बीच में, 65 चांसेस तो बहुत अच्छे हैं बेटा पास होने के, अगर इस साल देखो अभी जो एग्जाम है ना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये पास होंगे,
अगले साल की जो एग्जाम है ना आपके, उसमें आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हो, तो ये जो टाइम है ना आपके लिए स्कोर एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, मेहनत करो आप, मेरे हिसाब से अगले साल आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। कौन से सेक्टर के, सेक्टर के एग्जाम दे रहे हो आप? बैंकिंग सेक्टर सर, बैंकिंग, SBI PO। बैंकिंग के तो करो, SBI बैंकिंग भी आपके लिए अच्छा, ऊपर से कभी एजुकेशन सेक्टर में कुछ मिला ना उसमें कोशिश करना, वो भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरा जो नए नए जो फ्रेंड्स सर्कल जो बनते हैं ना सर, वो मतलब एक वन वीक का जैसा रहता है? तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बन सकते, पहली बार लिख लो लाइफ में, तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनने वाला है, मतलब कि तुम्हारे पास आएंगे काम नहीं होगा निकल जाएंगे, अभी की नहीं, आपके लाइफ लॉन्ग की इतिहास बता रहा हूँ आज। ओके सर, ठीक है, तो उसकी उसका कुछ नहीं कर सकता मैं, दोस्त नहीं बनेंगे आपके मतलब मत बनेंगे, एक साल दो साल रहेंगे तीसरे साल अपने काम करके भग जाएंगे। ओके सर, ठीक है, उसके तो ध्यान मत दो, अपने कैरियर पे फोकस करो। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, जब मैं अकेले रहता हूँ ना सर, तो कुछ भी मतलब सोचता रहता हूँ सर, वो कितना मतलब फिजिकली हार्म भी क्यों ना करे, मैं सोचता रहता हूँ, क्यों सर? अकेले रहेंगे तो सोचोगे ना भाई, अभी आपको सोचना क्या चालू मालूम है क्या? जो नहीं हुआ सर, कुछ भी कोई लाइफ में आया था क्या अभी? हाँ, कोई लाइफ में आके गया है क्या? नहीं सर, वो सब कुछ नहीं है सर। वो भी चांस बन रही है आपकी, जो ये सब करंट ईयर चालू है ना उसमें कोई लाइफ में आने के चांसेस भी है, अभी जो टाइम चालू है अप्रैल मई के पहले, तो कोई ऐसे कुछ ना कुछ होने के चांसेस है, उससे बच के रहना, वो आपके फायदे का नहीं है। ओके सर, ठीक है, और जो सोचना है ना, तो क्या आदमी खाली ज्यादा सोचता है, कोई आपसे ऐसे तकलीफ नहीं है, सोचो लेकिन पॉजिटिव सोचो, बस इतना मेरा बोलना है। ओके सर, विशाल जी, ठीक, थैंक यू सर। विशाल जी, यस सर, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को न दे। आप ऐसा नहीं सोचे दोस्त होंगे तो ही खुश रहेंगे, ये जिम्मेदारी आप खुद उठाओ, अपने आप में भी आप खुश हो सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। कांति लाल जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। हाँ जी अंकल जी, बोलिए अंकल जी, बोलिए। अच्छा, नमस्ते सर, सायराम सर, नमस्ते, नमस्कार जी। मैं कांति लाल मुनोत, 10/6/1942, आई एम 80 years। वेरी गुड, 10 June 1942। आप 80 साल के होने के बाद भी एकदम अच्छे चलते फिरते खाते हंसते हुए दिख रहे हैं, हमारे से लोग तो पता नहीं क्या होगा हमारा। सर मैं रिटायर्ड पेंशनर हूँ, आर्मी में काम किया मैंने सर, रिटायर्ड पेंशनर हूँ। हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ। वेरी गुड अंकल, वेरी गुड। अच्छा सर, दूसरी बात ऐसी है, मैंने किसी आदमी को मेरे पैसे दिए हुए सर, ऐसा मतलब ज्यादा इंटरेस्ट देता था इसलिए मैंने काफी पैसा दिया हुआ है, मेरा ग्रेजुएट का पैसा, पेंशन का पैसा, और इसका GP फंड का पैसा, और उससे कुछ दिन मिले पैसे, लेकिन अभी 3-4 साल हो गए सर मुझे पैसा एक भी नहीं मिल रहा है, और उस आदमी को काफी लोगों से पैसे लिए इसलिए अभी जेल में पड़ा है सर, मेरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं सर, यही मुझे बहुत चिंता है सर इस चीज की। सर मैं आपको कुछ अच्छा बता नहीं पा रहा हूँ, इसके मुझे भी चिंता हो रही है अभी तो। अरे नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, कुछ तो अच्छा बताइए। नहीं ऐसा मत कीजिए सर, कुछ तो मुझे होप्स दे दीजिए सर। मैं कभी गलत हूँ किसको देता नहीं हूँ, मेरे वेबिनार की एक ही खासियत है, जो हाँ। सही है वही बोलता हूँ मैं। देखिए अंकल, आपको एक ही चीज बताता, एक ही होप दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपको पैसा मिल गया मार्च 2022 से लेके दिसंबर 2022 के बीच में, ये पैसा मिलने के चांसेस बनेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको सीधी उंगली से घी नहीं निकालना है, ये जो चांसेस बन रहे हैं ना, ये सामने वाले को प्रेशर डाल के या उंगली तिरछी करके पैसा निकालने के चांसेस बन रहे हैं। सर सर वो तो जेल में बैठा है ना, इसलिए ना वो बाहर आता है ना कोई जामीन दे रहा है उसको। ये जो टाइम है ना, इसमें आपको कुछ ना कुछ एक ऑप्शन ऐसा आएगा मार्च और दिसंबर के बीच में, एक ऑप्शन का ऐसा आएगा जब आप कुछ को प्रेशर बना पाओ या तो उंगली तिरछी करने का आपको चांस मिलेगा, ये टाइम राइट सर, राइट सर, पहले भी नहीं मिलेगा, इसके बाद भी नहीं मिलेगा। ओके सर, ये टाइम में आपको अगर पैसा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो उसके बाद जय श्री राम बोल देना आप। अरे बाप रे बाप रे, 16 lakhs rupees है सर, 16 lakhs rupees है। ये जो टाइम है 9 महीने का जो पीरियड है, इसमें आप अपने वसूली कर सकते हो, ये टाइम में आपको पेमेंट मिलने के चांसेस है। अच्छा सर, ये टाइम में ऑप्शन आएगा, एक दो ऑप्शन पक्का आएंगे आपके पास, आप ध्यान रखिए उसके। बहुत अच्छी बात है, मैं ध्यान रखूंगा सर, पक्का ध्यान रखूंगा। दूसरा क्वेश्चन एक पूछूं आपको, और बोलिए बोलिए आपको कैसे। मेरी बेटी है, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी लड़की भी अभी डॉक्टर MBBS पास हो गई है, वो MD करना चाहती है,
एमडी करना चाहती है, तो सर उसको अभी फॉर्म वगैरह सब भर के दिए है, क्या उसको चांस मिलेगा मतलब एमडी करने के लिए? डेट ऑफ बर्थ क्या है उसके? तनुरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? वो सर याद नहीं है सर अभी मुझे, ठीक है ना, कल मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? जरूर सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम सर, ओम साई राम, कांतिलाल जी, ओम साई राम। वो देखो मेरे सामने फोटो भी है, मेरे सामने साई राम जी का फोटो भी देखो। वेरी गुड, वेरी गुड सर, धन्य हो गए, धन्य हो गए सर। मैंने जिस टेबल पर बैठता वहीं पर लगा रखा है। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड अंकल, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुतम जी थोड़ा डिस्कस कीजिए, मैं कुछ 2 मिनट का ब्रेक लग रहा है। हाँ सर, सर देखिए, तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन पूछने से अच्छा तो यही है कि आप ये कोर्स कर लीजिए, तो अपने अच्छा। बारे में जान लीजिए, और अपने बारे में जान लीजिए, अपनी सोसाइटी का भला कीजिए, आपके आस पड़ोस वालों का भला कीजिए। अगर ज्यादा काम कर सकते हैं तो आपके कंसल्टेशन लेके लोगों को बता सकते हैं, तो किसी न किसी रूप में अगर हम इस सोसाइटी में या इस समाज में या अपने देश में अगर 10 से 15 लोगों की जीवन में भी चेंज ला पाए ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, अपने कर्मा क्लिनजिंग होते हैं। तो हमारा जो अपकमिंग कोर्स है, 3 दिन की ऑनलाइन वर्कशॉप है, जिसमें अभी जो सर बता पा रहे हैं ये सब का सब आप भी बता पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। तो ये हमारा कोर्स आ रहा है 3, 4, और 5 दिसंबर को, रात को 8:15 से 10 बजे का आपको टाइम देना रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज 5100 है, तो प्लीज डू ज्वाइन दिस कोर्स एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं मिलती है। और हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं, जैसा कि अभी सब लोग आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वही हमारा कोर्स कंटेंट है। सर का नंबर नीचे दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा कोर्स कंटेंट है, देखिए 15 पॉइंट जो हमारे हैं वो ये है जो हम सिखाते हैं। प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। जैसा अभी सर पूछ रहे थे, आप 27 से 37 के बीच में बोलिए, 22 से 92 के बीच में बोलिए, या 1 से 100 के बीच में बोलिए, तो उस आधार पर प्रिडिक्शन कैसे की जाती है, आपके क्वेश्चनों को कैसे किसी किसी के लिए पॉजिटिव आया और किसी के लिए थोड़ा नेगेटिव, तो ये आप सामने वाले से पूछकर भी उसकी प्रिडिक्शन आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए अपने 1-2 क्वेश्चन के लिए परेशान ना होकर कोर्स करने के बाद अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव फ्लो लाइए, सब तक पहुंचिए। और डेस्टिनी और साइकिक नंबर के बारे में भी काफी जानकारी दी जाती है कि किस तरह से वो अपने लाइफ में इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसके अलावा इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ, किसी एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल इवेंट्स निकलते हैं, उस मल्टीपल इवेंट्स में आपकी शादी हो सकती है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है जैसे आपका एक्सीडेंट या आपको नौकरी से निकल जाना, या कुछ ऐसी चीज जो आपके जीवन की यादगार हो जो आप कभी भूल ना पाए उसे इवेंट कहते हैं। इसी तरीके से एक डेट ऑफ बर्थ से काफी सारे इवेंट आप निकाल सकते हैं, और वो कब होंगे वो भी आप बता पाएंगे सामने वाले को। जैसे अभी सर ने एक मैम को बोला था जो बहरीन से थी, बोल रही थी कनाडा जाना है मेरे हस्बैंड को, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के हमने उनका इवेंट निकाला कि वो नेक्स्ट ईयर में वहां चले जाएंगे, उनका काम हो सकता है 100%। तो इसी तरीके से आप भी ये निकाल सकते हैं कि भाई किसी तरीके से वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ऐसे किसी का भी कोई भी इवेंट आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन क्या होता है एक लाइफ में, वो भी आप बता पाएंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सेटलमेंट एरियाज होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं वो भी इसमें आपको एजुकेट किया जाएगा। बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ये तो वेबिनार है इसलिए सर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपको बता देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस है, लेकिन जब आप नए नए होंगे तो आपको क्या बेसिक फार्मूलास अप्लाई करने हैं वो आपको ये सर बताएंगे ताकि आपकी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट बैठे। ये भी हमारा एक कोर्स कंटेंट है, इसमें भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसके अलावा जैसे अभी सर ने बताया कि आपको एक लड़का है, तो उन्होंने बोला हाँ है, तो बोला आपके हस्बैंड की वाइफ में एक आशीर्वाद था बच्चे का, वो आपको मिला है, तो क्या आप एक डेट ऑफ बर्थ से ये भी बता पा रहे हो कि आपको लड़का है लड़की है? जी हाँ बिल्कुल सही, ये आप भी बता पाएंगे। यही है अंक शास्त्र की, अंक ज्योतिष की विद्या जो आपको सीखनी है केवल इन 3 दिनों में। आपका नाम नेगेटिव स्पेलिंग पे है तो वो आपको किस तरीके से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल मैरिड लाइफ है या अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ है तो उसको आप कैसे संभाल पाएंगे, आपकी ग्रिड में क्या नंबर इंडिकेट करते हैं वो सब बताया जाएगा। आपकी लाइफ में फैमिली सपोर्ट है या नहीं, या आप अपने दम पर कुछ बनते हो, ये दोनों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। मनी फ्लो,
आपके लाइफ में है या नहीं है वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनके बारे में भी हम प्रेडिक्शन करना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो कम्प्लीटली एक बेहतरीन प्रेडिक्शन कोर्स है, और हम आपको जो भी देते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, किसी किताबी ज्ञान में ये आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि आप किताबों से सीख तो लेते हैं लेकिन उसकी गाड़ी ही आगे चलती रहती है, जैसा कि अभी मिहिर विस्तानी जी ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि किस तरीके से हमने ये कोर्स करने के बाद हम में कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो तो प्लीज डू ज्वाइन द कोर्स। इसके बाद भी अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी होती है तो प्लीज मुझे फोन करें, और बात करने से बात बनेगी। अगर आप बात नहीं करेंगे या किसी असमझ में रहेंगे या समझ में नहीं आया तो कभी बात नहीं बनेगी। आपका एक स्टेप आपकी जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो प्लीज नोट डाउन माई नंबर एंड प्लीज फील फ्री टू कॉल मी 766-555-0178। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 766-555-0178। सर का नंबर है 999-0369-555-999-0369-555। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, स्टॉप कंप्लेनिंग स्टार्ट प्रेजिंग। अगर आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो डू समथिंग न्यू टू गेट समथिंग न्यू। अगर आपको जीवन में कुछ ना कुछ अगर कुछ अच्छा हासिल करना है तो आपको कुछ ना कुछ नया एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो आज आपके लिए वो सबसे सुनहरा मौका है, आप वो स्टेप लीजिए। अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखें तभी आप जीवन में कुछ ना कुछ अलग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी। नंबर वापस बताइए सर आपका। बिल्कुल सर, 766 राइट सर, 555 यस सर, 0178 राइट सर। थैंक यू वेरी मच सर। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दे दूं। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अलावा हम आपको देते हैं पीडीएफ रिपोर्ट जो सर पढ़ाते हैं डेली का डेली, और एक मास्टर पीडीएफ जो कि आपको एंड ऑफ द डे मिलती है। आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट जो कि हमारे सर से साइन किया हुआ होता है, कंप्लीट सर्टिफिकेशन होता है आपका इस प्रेडिक्शन कोर्स का। इसके अलावा आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। हर क्लास का एक पेड ग्रुप बनता है जिसमें आप सर हमेशा हर क्वेश्चन का सवाल का जवाब देते हैं, और सर से आप लाइफ टाइम 11 से 12 बजे के बीच में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। सबसे खास बात जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कि आप अगर आज हमें पेमेंट जमा करा रहे हो तो अगर आपने किसी कारण से एक घंटा आधा घंटा क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो हम आपको इस क्लास में तो आपको एंट्री दे ही रहे हैं, इसके बाद आने वाली 2 से 4 क्लास 5 क्लास में भी अगर आप एंट्री लेना चाहें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। पे वन टाइम एंड एजुकेट यूर सेल्फ 3 to 4 times 5 times। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, प्लीज ज्वाइन द कोर्स। बस मेरे तो यही है कि आप इस अंक विद्या के रहस्यों को जानिए और अपने आप को इस कदर काबिल बनाइए कि आप किसी की मदद कर पाएं, समाज के लिए कुछ कर पाएं। क्योंकि आप सब लोग यहाँ हैं मतलब आप अंकों की ताकत से तो वाकिफ हैं, लेकिन कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, यही हम अपने कोर्स में बता रहे हैं। केवल आपको 3 से 4 घंटे हमारे को रोज एक एक दो दो घंटा देना है 3 दिन तक। अपने जीवन के 3 अमूल्य घंटे हमें दीजिए और हम आपको हमारी सर की 8 साल की जो मेहनत है वो आपको एक थाली में परोस कर हम आपको दे रहे हैं। तो आज जितने भी लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का अगर क्वेश्चन आंसर सेशन रह जाता है तो भी आप फिक्र नहीं कीजिए, सर आपके वेबिनार आते रहते हैं, पर 1-2 क्वेश्चन पूछने से अच्छा है कि आप कोर्स ज्वाइन करके कम्प्लीटली नॉलेज को ग्रहण करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। थैंक यू वेरी मच। अजय जी आप हैं, 5 लोगों को ले लीजिए फटाफट। 5 लोगों में से 4 तो स्क्रीन पे ही है, फिर 1 को और देखते हैं। इंद्रजीत कौर जी, थैंक यू सो मच सर। ओम साई राम सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 9/9/99 मेरी डॉटर की है सर, आज बेटियों का दिन है। 9/9/1999 यस सर। 9 का तो पूरा नंबर लेके बैठी है आपकी बेटी सर, यही टेंशन है उसके सर, शी इज डूइंग एमबीए तो उसको अच्छे ऑप्शंस मिल जाए सर करियर के। निम्न नंबर कहाँ पे लाए दीदी आपने? पार्डन सर, आपको न्यूमरोलॉजी आती है? मुझे न्यूमरोलॉजी हाँ सर थोड़ा सा आता है पर बहुत ज्यादा नहीं। निम्न नंबर कहाँ पे आपने चेक किए थे?
नहीं सर मैंने नहीं चेक किया। तो हम नेम नंबर चेक कीजिए, फर्स्ट नेम कहाँ पे आ रहा है, कंबाइन नेम कहाँ पे आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है इसको लाइफ में आगे लेके जाने के लिए, या तो पीछे जाएंगे आगे जाएंगे, नेम नंबर डिसाइड करेंगे इसके फ्यूचर। ओके तो आप इसका आप चिंता मत कीजिए, इसका जो नेम है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं प्रॉपरली चेक करके आपके बच्चे का जो सही नंबर पे नाम आना है। सर मैं आपको एक मिनट में बता सकती हूँ, आप दो मिनट अनम्यूट कीजिए, आप देखिए दोनों, मैं दो फिर से आपको लेता हूँ, ठीक है, आप देख के रखिए। सर मेरे पास लिखा हुआ है सर उसका नेम नंबर, सर मैं उसका कंप्लीट नेम नंबर बताऊं? नहीं दोनों नाम चाहिए, फर्स्ट नेम और कंबाइन नेम दोनों चाहिए। फर्स्ट नेम सर उसका वन पे है और टोटल नंबर थ्री पे है। वन पे और थ्री पे? ये सर वन और थ्री पे। गगनप्रीत कौर है सर उसका नाम। एक काम कीजिए आप, फर्स्ट नेम थ्री पे है, फर्स्ट नेम कितना, थ्री पे वन पे उसका? फर्स्ट नेम वन पे है, कंबाइन नेम थ्री पे है कि नहीं? यस सर फुल नेम थ्री पे है। कैरियर कौन सा चूज करना चाह रही हो? सर एमबीए कर रही है, फाइनेंस में करना चाहती है। कोई तकलीफ नहीं इसका, देखो नाइन बहुत बार रिपीट हो रहे, तकलीफ वाली बात है, लेकिन नाइन वन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बच्चे के पास आपके। जी सर। उसके अच्छे से वो अपना काम तो कर लेंगी, एमबीए जो कर रही है ना फाइनेंस में, वो काम तो अच्छे से कर लेंगी वो। उसका सिर्फ जो नेम नंबर है ना, फर्स्ट नेम तो वन पे आया ना आपका? जी सर। तो वन थ्री और सेवन को दोनों मिक्स कीजिए, थ्री भी लाइए और सेवन भी लाइए नाम में उसके। सर वैसे सर उसका नाम गगनप्रीत है तो टोटल 37 ही बनता है, तो 37 से ही वन बना फर्स्ट नेम का। वन बना है तो उसकी कंबाइन नेम को आप सेवन सेवन पे लेके जाइए, या तो अब कंबाइन नेम थ्री पे आ रहा है ना आपका? हाँ सर सेवन पे करूँ? सेवन पे करो ना, तो देख काम को कोशिश करो कि फर्स्ट नेम अगर थ्री पे आता है और कंबाइन नेम सेवन पे आता है तो बहुत अच्छा रहेगा इसके लाइफ पर। मैं आगे का बता रहा हूँ, मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, तो थ्री और सेवन पे स्टेबल कर देंगे इसके। ओके सर ठीक है सर। सर एनीथिंग एल्स सर, जिस वो कुछ मतलब जिससे वो थोड़ी सी शांत भी रहे, एकदम से सर स्ट्रेस्ड हो जाती है, माइग्रेन इतना रहता है, मुझे भी परेशानी हो जाती है। वो तो 99 की जो प्रभाव है वो तो रहेंगी उसके, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है जी। ये कैसा जो है ना, ये इसका अपना इसका प्रभाव कम नहीं कर सकते, एक्चुअली उसके इनबिल्ट है उसके साथ में। अगर नेम और थ्री और सेवन भी ला लूंगे ना, तो ऑटोमेटिक 5-6 महीने में थोड़ा इसका टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है सर आई विल ट्राई सर। क्योंकि वन नंबर पे अभी ऑलरेडी वो भी वन नंबर की सन का है ना, वो ज्यादा स्ट्रेस और बढ़ा देता है। ओके वो थ्री गुरु पे लाइए और केतु पे लाइए तो उसको स्ट्रेस भी कम होगा, आगे जो शादी की जो शादी होने के बाद इसके लाइफ में सेटलमेंट अच्छा आ जाएगा। ठीक है सर ओके, दोनों पे लाइए आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके सर ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू इंद्रजीत जी, थैंक यू। ये कमलेश नारंग जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रीन से मैं रुका हुआ है। हाँ जी बोलिए सर। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1991। हाँ जी सर, इसका बिजनेस का और शादी का पूछना है। बिजनेस पार्टनरशिप में तो नहीं कर रहा बेटा आपका? इसमें पार्टनरशिप का तो बिजनेस नहीं कर रहा है ना आपका बेटा? नहीं 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 सर नहीं, उसको कभी मतलब मेरे साथ ही है पार्टनरशिप। हाँ तो ठीक है, घर के पार्टनरशिप करेंगे, लेकिन नए लोगों से पार्टनरशिप करने कभी मत लगाना, धोखा खा जाएगा। नहीं नहीं वो फेवर में नहीं है सर। हाँ बस आपके साथ करो बात अलग है, फैमिली मेंबर के साथ, लेकिन बाहर के लोगों से मेरे साथ बोलेगा तो मेरा उसके साथ वो प्रोप्राइटरशिप है उसका अपना, पहले मैंने एक आध मशीने डाल के दिए उसको बस उतना। ठीक है ना, वो चलता है, लेकिन पार्टनरशिप किसी और के साथ नहीं करना है बच्चे को आगे भी आपके। हाँ जी आपका सवाल क्या है अंकल जी? उसकी शादी कब होगी और बिजनेस थोड़ा सेटल नहीं हो रहा है, मतलब कभी तो इतना अच्छा जंप ले लेता है और कभी अचानक से उतना ही कम हो जाता है उतने महीने के लिए। काय का बिजनेस कर रहा है ये बच्चा आपका? डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रिंटिंग। बहुत सही काम कर रहा है अंकल, आपका जो लड़का है उसको वही काम करने पता है, वो काम सेट करता है सूट करता है उसको, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से मार्च के बाद फिर से अच्छे से काम करना चालू हो जाएगा आपके बच्चे के यहाँ पे। अच्छा, ये जो साल है ना मार्च तक थोड़ा हेडेक वाला टाइम है बच्चे का आपका। हाँ। पिछले 2 साल में थोड़ा हेडेक वाला काम था, लेकिन अभी जो टाइम चालू होगा ना
आने वाले तीन साल बहुत अच्छे बच्चे आपके 2022, 23, 24 ये तीनों साल आपके बच्चे के अच्छे जाएंगे, 22, 23, 24 अच्छे जाएंगे, ये साल अच्छे जाएंगे, इसमें पैसा भी कमा लेगा, वही फील्ड रहने दो, फील्ड चेंज मत करो उसकी। नहीं फील्ड तो वो चेंज नहीं करेगा सर, नहीं वही फील्ड में काम करेगा तो अच्छा नाम हो जाएगा उसका, और 36 के आसपास आसपास पहुंचते पहुंचते सेटल हो जाएगा ये बच्चा आपका। थैंक यू सर। और सर शादी का शादी अंकल आप इसकी शादी जून 2022 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में पक्का 100% हो जाएंगी। अच्छा जून 2022 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में। ओके ठीक है सर। थैंक यू कमलेश जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू शुभांगी जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर। नमस्कार। बोला ओळखला का? ओळखला ना तुम्हाला, बोला बोला। काही नाही सर, एक प्रश्न विचारायचा होता। हॅलो। हा डेट ऑफ बर्थ सांगा। हा 13/5/1993। सवाल पूछिए, हिंदी में बोलिए, सवाल पूछिए क्या आपके? सर अभी प्लानिंग कर रहे थे बच्चे की, तो क्या हो सकता है क्या अभी चांसेस है क्या? मार्च के पहले बच्चा रुक जाएगा इसको। आ? मार्च के पहले बच्चा रुक जाएगा, नहीं कंसीव हो जाएगा बच्चा मार्च के पहले इनके यहाँ पे। ओके। और दिसंबर या मार्च 2023 के पहले बच्चा भी हो जाएगा इनको, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं अभी होगा क्या? देखो बच्चे अभी जो बच्चा रुकने का मतलब कंस्यू, यानी क्या बोलूं हिंदी में क्या वर्ड है? वर्ड मार्च अप्रैल के पहले कंस्यू हो जाएगा और इस साल 2022 एंड तक बच्चा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है ठीक है। थैंक यू। ठीक है सर। एक दो कॉल ले लीजिए थोड़ा बहुत। आप सर आप निकालो लॉटरी लास्ट 2-3 जो आपको अच्छा लगता हो। भारतीय जी, दीप्ति जी और पार्था बंदोपाध्याय जी। पार्था बंदोपाध्याय जी का सबसे फर्स्ट ही हुआ था। ओके क्या फिर से कहा तो परे रहने दीजिए। फिर एक काम कीजिए, मीनू कुकरेजा को ले लीजिए। मीनू कुकरेजा बोला आपने, एक एक दीप्ति जी बोला और सर ईसा भाटिया करके आए। भाटिया जी को मैं ढूंढता हूँ। चलो ठीक है, ईसा भाटिया जी। ओके मिल गए। ठीक है दीप्ति जी से बात करेंगे। दीप्ति जी एक मृत्युंजय यादव करके, उनका नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मृत्युंजय यादव जी। हाँ उनको भी ले लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 1970 है। 1970। अच्छा 1970। हाँ सर 13 जनवरी 19। हाँ बोलिए सवाल क्या दीदी आपका? मेरा सोसाइटी में रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैं खुद लॉयर हूँ लेकिन टेक्निकली गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से रीडेवलपमेंट अटक जाता है बार बार, और मुझे आगे मतलब थोड़ी बड़ी जगह की जरूरत है बेटी की शादी के लिए। तो क्या लग रहा है आपको, रीडेवलपमेंट पॉसिबल है? ये कोई भी आजू बाजू की सोसाइटी हमें ज्वाइन करे, या आगे हमारा रिलायंस का प्लॉट है वो हमें हमारे साथ ज्वाइन हो जाए और मेरी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट हो जाए, या तो फिर वो बेच के मैं कोई मुझे कोई चांस मिलेगा और मैं बड़ा फिट करी थी, दोनों में से एक ही ऑप्शन। एक नंबर बोलिए 51 से लेके 77 के बीच में। 56। कितना दीदी? 56। दीदी चांस तो मिलेगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा, मेरे को नहीं लगता आने वाले 5-6 महीने को चांस आएगा। और जैसा आप सोच रहे हो ना, जैसा आप सोच रहे हो जो भी आपकी प्लानिंग है उसके हिसाब से आपको चांस नहीं आएगा, थोड़ा आपको एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करने के जरूरत गिरेगी उसमें। जैसा आप सोच रहे हो कि भाई हाँ पैसा निकाल के भी करने के लिए रेडी हो गए हैं लेकिन सब मेंबर्स रेडी नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं मुझे 2022 जुलाई के बाद काम चालू करना है। हाँ तो वो एक बार ठीक है, आने वाले 8-9 महीने को चांसेस जुलाई के बाद तो चांसेस बनेंगे लेकिन फिलहाल नहीं है। जुलाई के बाद में सब कोशिश। हाँ जुलाई का कोशिश कीजिए, उसमें चांसेस बन जाएंगे। ओके सर थैंक यू। और बन जाएगा तो पक्का आपके यहाँ आऊंगी और 100% आपको पार्टी भी दूंगी।
मुझे लगता है आपका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग है सर, तो हमारी इतनी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग आपके जैसा कुछ भी 10% भी कर पाए। दीदी ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं आपको सही लोग बताता हूँ। देखो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सिखा दूंगा, जो बताऊंगा उसमें सबसे ज्यादा मेन चीज है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका खुद का इतना कंट्रोल हो जाता है, अपने ऐसा माइंड से सब आना चालू हो जाता है। ये लोग जो सिखा रहे हैं ना आज की तारीख में, ये बेसिक कुछ सिखा नहीं रहे, काम की चीज नहीं सिखा रहे, बाकी हर चीज सिखाई जा रहे हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करोगे अगर आपने मेरे हिसाब से 2-3 महीने में अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो सब कुछ आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर से आना चालू हो जाता है, दिल से सब कुछ चालू हो जाता है पूरा। आपको मजा भी बहुत आता है, गिफ्ट है और इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग है। इंट्यूशन पावर करते करते होता है ना, जब इतने प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। ओके ठीक है दीदी, ओके जी, थैंक यू। दीप्ति जी कोर्स में आएंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और काफी हद तक हर चीज आप बता पाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काफी आपने सुना होगा, मीर जी बोल रहे हैं, मैं भी बता पा रहा हूँ। बहुत लोग, अगर आप में विल पावर है, कोई भी काम आप ऐसे सोचोगे ना, अगर नेगेटिव सोचोगे तो कर नहीं पाओगे। आपको यही करना है कि नहीं हमें कर लूंगी, मैं कर लूंगी, कर लोगे आप, ठीक है ना। अभी आपको आप तुम बताता, ये डॉक्टर लता जी अपने साथ में, लता जी है क्या? एक मिनट देखता हूँ, नहीं उनका वो दूसरे नाम से है ना, वो तो कोस्ट है ना, वो तो हाँ है ना लता जी। दीप्ति जी बिल्कुल आप आंख बंद करके हम पर विश्वास करके आ जाइए, आपको इतना आशीर्वाद मिलेगा ना कि आप खुद सोचोगे कि मैं खुद उस दिन ऐसी बात कर रही थी और आज मैं इतनी अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बन गई हूँ। तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप आ सकती हैं। ओके ओके थैंक यू। बिल्कुल आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, जब आप किसी को बताने लगेंगी ना तब आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये चीजें मैं इतनी आसानी से कर सकती थी, मुझे खुद को नहीं पता था। आपके अंदर वो विश्वास जग जाएगा ना, आपको लग रहा है कि मेरे पास चमत्कार है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी कॉमन नंबर है मेरे पास। इंट्यूशन पावर कहाँ से आता है? जो नंबर बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिस है, वो सब ऑटोमेटिक अपने को दिला देती है अंदर से। और जब लोगों के रिव्यू आते हैं, जब लोग ये काम हो गए, वो काम हो गए, मेरा आपने बोलते 30 तारीख मेरी शादी 29 तारीख को फिक्स हो गई, वो सब कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। अच्छा ओके हाँ, सबसे बड़ी चीज का आशीर्वाद ऊपर वाले का था ही है, देखिए उनके भैया के माध्यम से वो हमको मिल रहा है। दीप्ति जी हनुमान और अंगद में क्या फर्क था पता है आपको? आज हनुमान को हर आदमी जानता है, अंगद को भी जानते हैं, लेकिन हनुमान जी को ज्यादा पूजा करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने संशय नहीं किया, वो एनी टाइम रेडी रहते थे, एनी टाइम उन्होंने बस खड़े रहते थे कि राम भगवान के आगे कि कुछ बोले और मैं करूं, भाई इनको लग गया जाओ पहाड़ लेके आओ। हाँ जी, जब सीता जी को जाने के लिए अंगद जी को बोला गया था तो राम जी ने बोला था जाओ अंगद लेके आओ, तो उन्होंने बोला यार मैं जा तो सकता हूँ वहां पर मुझे नहीं लगता कि वहां मैं सीता जी को ढूंढ के वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। थोड़ा सा संशय, एक छोटा संशय एक बहुत बड़े वृक्ष के समान होता है, और हनुमान जी ने कभी सवाल नहीं किया, बोला हाँ मैं जाके आता हूँ, और वो जाके आ गए। तो आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आप में भी वो सामर्थ्य है। ईश्वर ने हमको 24 घंटे दिए हैं, आपको 24 घंटे दिए हैं, सर को 24 घंटे दिए हैं, लेकिन सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज कहाँ है? राइट तो आप भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ और थिंक, हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखिए। शहर में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग हो ना उसको देखो, बराबर ठीक है मैडम। पुरुषोत्तम भैया इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे बोलते हैं ना कि इम्पॉसिबल, जैसे लोग बोलते हैं हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो उसमें आई एम पॉसिबल इज देयर, या छुपा हुआ है उसके अंदर ही। जी बिल्कुल, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और बिल्कुल आ जाइए विश्वास के साथ। आप हमेशा जब भी आप बैठेंगे ना प्रेडिक्शन के लिए अपने गुरु को याद कीजिए, आप नहीं बोलेंगे आपका गुरु आपके मुंह से बोलेगा। अरे क्या होगा मैम, नियम नहीं आएगा ना, और क्या होगा, जैसे हो वैसे तो रहोगे ना।
नेक्स्ट ले लेते सर, सर और नेक्स्ट लेते रहते, रात भर एक क्लास चलेंगे। ईशा भाटिया जी थैंक यू लता जी थैंक यू। हाँ बोलिए भाटिया जी, बोलिए दीदी डेट ऑफ बर्थ। कौन सा राम जी बोलिए सर। 14 मई 2006 फीमेल की दीदी, बच्चा है बच्ची है? फीमेल बेटी है सर। बेटी है ओके। सर टेंथ क्लास में है, उसको पता कि आगे क्या सब्जेक्ट ले, किस फील्ड में जाए। क्या बनना चाहती है इसको, इंजीनियरिंग या तो बैंकिंग है या तो भी गवर्नमेंट ऑफिसर, तीन ही चीज बन सकती है। एक तो इंजीनियर अच्छी बन सकती है साइंस स्ट्रीम लेके, एक तो बैंकिंग फील्ड में जा सकती है, तो गवर्नमेंट की जॉब के अच्छे चांसेस आपको, तीनों चीज के अच्छे चांसेस है बच्चे को आपके। ओके सर, तो मतलब साइंस दिलवा दें इसको आगे। साइंस दिला दो, बिंदा दिला दो, उसमें अच्छा काम कर लेंगे तो आगे गवर्नमेंट जॉब का चांस है। बहुत अच्छा चांस है, बहुत बेटर चांस है, बैंकिंग का भी चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के, और ऐसे साइंस दिला दो कहीं ना कहीं अच्छी चली जाएंगी, नंबर बहुत अच्छे उसके। तो सर आर्ट्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है इसका, कुछ उस फील्ड में भी है कोई स्कोप? मैंने गवर्नमेंट जॉब वाले जो ऐसे बड़े बड़े आईपीएस आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो आर्ट्स से करके आगे जाते हैं ना, जरूरी नहीं कि साइंस करना, लेकिन बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा है ये कॉमर्स के या आर्ट्स के या साइंस के मतलब में, लेकिन जिसको जो आगे जाना है ना, भगवान उसको कहीं ना कहीं किसी में से एग्जाम देके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देके, आईएएस यूपीएससी ऐसे एग्जाम देके बच्चे आगे चले जाते हैं। ये जो कर सकती है इसके जो मन में वो करने दो, बच्चा आगे करेंगे। सर आर्टिस्ट वगैरह होते हैं जैसे डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है इसका, जैसे वो आर्ट एंड क्राफ्ट। मैडम एक क्वेश्चन, लेकिन मेरे को नहीं लगता है ये गवर्नमेंट नौकरी करने वाली लड़की है, नौकरी करेंगी आर्टिस्ट ऑफिस तरीके करेंगी, लेकिन इसको नौकरी पक्का मिलेगी। ओके सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू दिशा ओके जी। सर मृत्युंजय जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर मैं ये जानना चाह रहा था ना कि दो दिन पहले भी मैंने आपसे बात किया था सर, तो एक सवाल रह गया था सर कि सर मनी का फ्लो मेरे में बड़ा ये रहता है, मनी का फ्लो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऐसा होता है कि जैसे काम चल रहा हो बस इस टाइप का होता है सर, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? 9th October 84। आपको न्यूमरोलॉजी आती है मृत्युंजय जी? आपने नेम कहाँ पे लाए हो आपका, फर्स्ट नेम कंबाइन नेम कहाँ पे लाए हो आपने? मैं सर मृत्युंजय यादव जो है ये सर वो 5 पे आता है सर, मृत्युंजय यादव दोनों। मृत्युंजय कितने पे आ रहा है? वो सर एक्चुअल में 5 पे, वो भी है 5 पे ही है सर। क्या सीओ नेम थोड़ा सा देख लूंगा सर, मुझे याद जी सर चेक करके देखो, मेरे हिसाब से वो 5 पे नहीं आ रहा होगा, थोड़ा इसको 6 पे लाने की कोशिश करो आप मृत्युंजय को। मृत्युंजय को 6 पे लाओ, तो कंबाइन को 6 पे लाओ, एक को 5 पे लाओ, दूसरे को 6 पे लाओ। अभी आप बोलोगे 9 और 6 का एंटी है, ऐसा कुछ नहीं आपके लिए, क्योंकि आपका 5 का फेज चालू है। सर 9 पे आ रहा है, जो इन्होंने स्पेलिंग लिख रखी है वो 9 पे आ रही है। कोई बोल रहा ना गलत नंबर पे लाऊंगा तो कहां से पैसे का फ्लो आएगा, तो आपको जो नंबर है ना चेंज करो उसको, फर्स्ट नेम 6 पे या 5 पे लाओ, कंबाइन नेम 6 पे लाओ। ओके सर ओके मैं करता हूं सर। और सर एक सर इशू सर, वो चाइल्ड का क्या है सर मेरे ग्रिड में या फिर मेरे ये में सर? चाइल्ड का तो आपके इसमें 2-7-6 मिसिंग है मृत्युंजय, आपको बताया था ना मैं 2-7-6 मिसिंग रहा तो क्या होता है इसमें, शादी में इशू क्रिएट करता है, शादी अगर प्रॉपर चल भी रही तो बच्चा देर से होता है, आपके इसमें से एक इशू है 2-7-6 का, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ आपका नंबर 6 पे लाओ, आपने पता नहीं कहाँ से 5 नंबर पे ला लिए, 5 नंबर आपके पास ऑलरेडी है, तो वो जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिख रहा है कि 2-7-6 अब्सेंस है, जो बच्चे में डिले कराता है तो शादी में इशू क्रिएट करता है, तो आप 6 नंबर पे लाओगे तो हाँ सर मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं है और ऐसे एक बेटी है सर मेरी, ठीक है सर, तो वो मैं चाह रहा था कि लाइफ में और लाइफ इन फ्यूचर कैसा रहेगा सर मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ जैसे नेम नंबर 6 पे नहीं लाओगे आपका लाइफ में डिस्टरबेंस बना रहेगा, आपका सवाल है कि लड़का होगा कि नहीं, ये सवाल है ना आपको मेन? यस सर यस सर। तो मेन सवाल पूछते हो ना मुझे क्या घबराते हो? क्योंकि लाइफ भी नहीं है सर ना, एक्चुअल में लाइफ भी ठीक नहीं है हमारी, हमारी लाइफ भी नहीं है सर अच्छी, मैरिड लाइफ नहीं अच्छी है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं, 2-7-6 ऑप्शंस है ना, उसमें जब भी 2-7-6 ऑप्शंस रहेगा वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा पक्का करता है। जी जी। आपकी वाइफ का ड्राइवर कंडक्टर क्या है?
वो नहीं पता सर, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता एग्जैक्ट। अच्छा ठीक है ना, आप नेम चेंज कीजिए, आपको फर्क पक्का महसूस होगा। 5-6 महीने में नेम चेंज कीजिए आपका, पहला 5 और 6 पकड़िए। मतलब पहला सर जो फर्स्ट नेम है वो मुझे कितने पे लाना है सर? फर्स्ट नेम अगर 5 पे आया तो कंबाइन नेम 6 पे लेके जाओ, ठीक है? कंबाइन नेम 6 पे चाहिए अपने को, फर्स्ट नेम 5 पे ही चलेगा, 1 पे भी चलेगा। ओके सर, ओके, ठीक है, ओके जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मीना जी, मीनू जी, सॉरी मोनी बुकरेजा जी। बोलिए मीना जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था, उसकी डेट ऑफ बर्थ 8/8/1993। हाँ जी, बेटी है ना आपकी? है नहीं, बेटा। एक मिनट, बेटा है क्या? हाँ जी। हाँ दीदी, क्या पूछना था बोलिए। उसके फ्यूचर के लिए और शादी के लिए पूछना था। फ्यूचर करने क्या चाह रहा बेटा आपका? अभी वो मोटर पार्ट्स का करता है काम, पापा के साथ ही। काय का काम दीदी? मोटर पार्ट्स। वाटर पार्ट का? हाँ। अच्छा, ये काम तो सही पकड़ा बच्चे ने, वाटर पार्ट का काम इसका आगे चल के बहुत अच्छा होगा। मोटर पार्ट्स का सर, मोटर पार्ट्स कश्मीरी गेट में। हाँ जी, ओके ओके। स्पेयर पार्ट्स मोटर्स? हाँ, मोटर स्पेयर पार्ट्स। दीदी ये भी काम उसको सूट करेगा, जो काम है ना इसका, जो सनी का काम है मोटर पार्ट का काम, इसका नंबर पे 8 नंबर पे आ रहा है, ये काम उसको सूट करेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, काम सूट करेगा। लेकिन कभी कभी पैसों की इशू आ सकते हैं, तो कभी कभी बीच में ब्रेक लग सकता है, लेकिन ये काम कंटिन्यू करेगा बेटा आपका, तो काम में तरक्की करने के योग अच्छे इसके पास में, वो इसका इशू नहीं है, वही काम करने दीजिए, आगे चल के कर लेंगे अच्छे से काम का। तो खैर ठीक है, कोई मतलब उसकी शादी का पूछना था मेरे को भी। मैं अब शादी करना है आपको, बताइए। वैसे हम लोग अभी देखना शुरू कर रहे हैं, पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा लड़की वालों की तरफ से, तो थोड़ी टेंशन। जहाँ तक मेरा ख्याल है दीदी, आपको आपकी बहू का जो कम से कम शादी फिक्स हो जाएंगी आपकी, अप्रैल मई के पहले शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके लिए। अभी आप अच्छे दिल से देखिए, अप्रैल और मई 2022 के पहले एटलीस्ट शादी फिक्स हो जाएंगी आपकी, या तो हो सकता है शादी हो भी जाए, लेकिन कम से कम शादी तो फिक्स पक्की हो जाएंगी आपकी। अच्छा, आपकी बेटे की। और सर अपना घर किराए का है, अपना घर का? मैडम ओनली वन क्वेश्चन मैडम, नेक्स्ट वेबिनार प्लीज। मैडम मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, कोर्स करो, खुद जान जाओ। सर एक ये पूछना, घर का बहुत टेंशन होती है मैडम। देखिए कितने हैं, कैसा रहेगा आपके डेट ऑफ बर्थ से, नहीं बच्चे के डेट ऑफ से नहीं समझ में आएगा, आपके सबके डेट ऑफ देखना पड़ता। मेरी 20/8/65 है। आप चिंता मत कीजिए, कम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, देख लूंगा। ठीक है सर, लास्ट एक ये श्री जी है प्लीज, इनका ले लीजिए। ओके श्री जी बोलिए डेट ऑफ बर्थ। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 3rd September 1989। इसे रिपीट कीजिए एक बार। 3rd September 1989। थर्ड थ्री जी सर, जी 3/9/1989 सर। गवर्नमेंट जॉब लगेगी? नहीं, इसका सवाल दूसरा होना चाहिए। सर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं सर, दो एग्जाम भी अटेंड किया है सर, तो सर रिजल्ट के सर कैसा आएगा सर, सक्सेस होगा या नहीं, करियर के बारे में सर जानना है। शादी का क्या है, शादी हो गई? शादी सर नहीं हुई सर। नहीं सर नहीं हुई। शादी करना नहीं थी क्यों? कोशिश नहीं की? नहीं सर करना है सर। हाँ करना है सर, लेकिन सर अभी सर जॉब के बारे में सर, करियर के बारे में सर। तो किसमें भी 2576 मिसिंग है। ओहो, नोटिंग पर आप 17 काय की एग्जाम दिए बेटा अभी आपने? सर मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में की हूँ सर। हाँ। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सर ट्राई कर रही हूँ सर, और एग्जाम भी प्रिपेयर किए हैं सर, दो एग्जाम। एक नंबर बोलिए 41 से लेके 61 के बीच में। 59 सर। 59। हाँ सर। 59 सर। देखिए आने वाले 6-7 महीने तो मुश्किल है, दिसंबर का मुझे जून के बाद चांसेस बनेंगे आपके, फिलहाल तो मुश्किल दिख रहा है मुझे 5-6 महीने जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है आपको बन सकते हैं।
ओके सर, अभी नहीं सर। हाँ अभी नहीं, अभी पॉसिबल नहीं दीदी, उसके बाद पॉसिबल होगा। वो जॉब का जो टाइम आपका जून के बाद ही है, जून 2022 के बाद। ओके सर, शादी भी जल्दी कर लीजिए, ज्यादा डिले मत कीजिए। ओके सर, सर प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा सर अभी जो? कैसे दीदी क्या बोले? माइक थोड़ा दूर रखिए, माइक थोड़ा दूर रखिए, हवा आ रही है उसमें, थोड़ा सा दूर रखिए सर। प्राइवेट सेक्टर डालने के सर समझ में नहीं आ रहा मैडम, क्या सवाल? प्राइवेट सेक्टर में सर जो पॉसिबल है क्या? प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा आपको, प्राइवेट सेक्टर ट्राई करो, आने में 3-4 महीने हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब का बताया टाइम है, प्राइवेट सेक्टर में तो आपको मिल जाएंगी। केवल श्री जी आपको एक ध्यान रखना है कि शादी जल्दी से जल्दी, करियर के चक्कर में शादी में डिले मत कीजिए, क्योंकि आपका 276 मिसिंग है, और जब भी करें तो थोड़ा फिर कभी भी सर से कंसल्ट कर लेना एक बार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते सर, नमस्कार, ठीक है सर, ओके ओके। सब लोगों को ओम साई राम, और धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने आज अपना कीमती समय निकालकर इस वेबिनार को ज्वाइन किया, और सर आपका भी, आपने बहुत अच्छा और वंडरफुल सेशन दिया, तो सबको एक बार अनम्यूट करके ओम साई राम कहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सर मेरा रह गया ना सर, सर सर आपने मेरे पूछने के बारे में कहा था डेट ऑफ बर्थ सर। ओके सर, अब नेक्स्ट वन लीजिए सर। कांतिलाल जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए सर, कांतिलाल जी अनम्यूट कीजिए पहले तो, सर आप भी कीजिए। हाँ सर जी बोलिए बोलिए। 6/3/1997 जो MBBS पास की हुई पोती है ना, उसको MD करना है। 6/3/1997 राइट सर, MBBS कंप्लीट हो गई, उसको रजिस्ट्रेशन भी मिल गया, लेकिन अभी MD करना चाहती है, तो क्या उसको मिलेगा चांस या नहीं? पक्का मिलेगा। अच्छा 100% वो कर लेंगी, बहुत जल्दी चांस मिलने वाला उसको, जो नेक्स्ट बैच होंगे ना उसमें चांसेस बहुत अच्छे हैं उसके नेक्स्ट बैच में। अच्छा सर, अभी तक लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। चांसेस बहुत अच्छे है आने वाले, जो इस साल अगर नहीं हुआ तो आने वाले जून जुलाई में जो चांसेस बनते ना वो बहुत ब्राइट है। राइट सर, बस इतना ही है बाकी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बहुत सर, बहुत आपका थैंक यू।